नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। औरैया के प्रदर्शनी पंडाल में जिलेवासियों ने गायिका मालिनी अवस्थी के लोकगीतों का जमकर लुत्फ उठाया। मालिनी अवस्थी का औरैया में पहला कार्यक्रम था। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने अभी तक उन्हें टीवी पर देखा था, लेकिन जब उन्होंने औरैया की नुमाइश मैदान में कार्यक्रम किया तो उन्हें दूर दराज से लोग सुनने आए। उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। औरैया में मालिनी अवस्थी के गीतों की धूम। गीतों को सुन लोग हुए मंत्रमुग्ध। ठुमरी और कजरी गीतों से बांधा समा। मालिनी अवस्थी एक भारतीय लोक गायक हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं। वो अवधि, बुंदेलखंडी और भोजपुरी जैसी बोलियों में गाती हैं। इसके साथ ही वो ठुमरी कजरी में भी प्रस्तुति देती हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था और औरैया के लोग उन्हें अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए और खुद मालिनी अवस्थी भी गदगद नजर आई थी। इस दौरान मालिनी अवस्थी ने बताया कि उनके गीत त्योहार, उत्सव और रिश्तों की सुगंध को बिखेरते हैं। जितने गांव और कस्बों में और छोटे शहरों के जो लोग हैं वो इन मानवीय मूल्यों को समझते हैं, इसलिए मुझे तो हमेशा जब भी एक बार की बड़े शहर का मना करूं, लेकिन जब भी मुझे ऐसे, इसलिए मैं बड़े इच्छा से आई हूं। और जब मुझे पता चला कि पहली कोशिश है तो मुझे और भी अच्छा लगा। मैं ऐसे कई आयोजनों का केंद्र रही हूँ जहाँ पर पहली बार शुरुआत हुई, मुझे बुलाया गया और आज वो एस्टेब्लिश फेस्टिवल्स हैं। तो मुझे लगता है जिलाधिकारी महोदय जी की ये बहुत शानदार पहल उन्होंने कोशिश की है। अब शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये रुकने ना पाए क्रम। इसी बहाने पूरा शहर साथ आता है। जितनी महिलाओं की संख्या थी देख कर अच्छा लगा। और क्या फागुन का समय है, मैंने कृष्ण के गाने गाए, शिव के गाने गाए, होली के गीत गाए, फाग सुनाए, यहाँ के जो गीत हैं कैसे सिनेमा में गए वो भी सुनाया। और मैं गीत गाती हूँ तो उनकी कहानियाँ भी जोड़ती फिरोती चलती हूँ, तो मुझको यहाँ पर आ जाके बहुत अच्छा लगा। लोकगीतों का रिश्ता गांव और छोटे कस्बों के लोगों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया कि उन्हें शहरवासियों के बीच कार्यक्रम में बुलाया और कार्यक्रम की परंपरा इसी तरह बनी रहे, इसके लिए उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए औरैया से अक्षय मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।